कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। सभी को काफी विटामिन डी मिला हुआ है, सभी का चेहरा लाल हो गया। वैसे तो आजकल बहुत विटामिन डी की कमी है, कई लोगों को बोन्स में दर्द, घुटनों में दर्द, आलसीपन, ये सारे इसलिए आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा विटामिन डी खिलाने के लिए हम वृंदावन धाम यात्रा करते हैं। काफी विटामिन डी दिख रहे हैं। हम सभी को तो घर में रह रहे कर अंदर ही रहने की आदत पड़ा हुआ है, बाहर बहुत कम ही लोग निकलते हैं, इसलिए पता नहीं चलता इतना धूप होता भी है। तभी स्मरण आता है, अच्छा ये कलयुग चल रहे हैं। श्राद्धे गोविंदा। वैसा जिस स्थान पर अभी हम सभी बैठे हैं ओके क्या कह रहे हैं तो पीछे हाँ जिस स्थान पर हम सभी बैठे हैं वो मान सरोवर है, मान सरोवर। तो इसके विषय में वैसे तो हम पहले कई बार हम यहाँ पर आए थे, तो हम कई बार बताए भी थे। काफ़ी बहुत ही गोप्य और काफ़ी महिमान्वित स्थान है ये, जो कि श्रीमती राधारानी के संबंधित स्थान है। इसलिए यहाँ पर आप श्रीमती राधारानी का ही मंदिर आप देखने के लिए मिलता है। बट वैसा आज हम इन गोप्य लीलाओं के विषय में चर्चा करने के बजाय हमने सोचा कुछ और श्रीमती राधारानी के संबंध में और कुछ बेसिक, बिकॉज राधारानी के तत्व तो बहुत ही ऊंचा तत्व है। बिकॉज राधारानी के विषय में केवल कृष्ण भी पूर्ण रूप से तो कहाँ समझ पाएंगे, कृष्ण भी समझ नहीं पा रहे थे राधारानी को पूर्ण रूप से। तभी तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा ना, तभी तो कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा राधा को समझने के लिए, क्योंकि वो अपना सामर्थ्य और क्षमता से वो राधारानी को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए फिर कृष्ण ने सोचा कि जब तक मैं राधा का ही भाव को स्वीकार करके राधा का ही कार्यों को अनुसरण करते हुए मैं नहीं करूँगा, तब तक राधारानी के विषय में तो मैं समझ ही नहीं पाऊँगा। तो वैसा कृष्ण ही अपने असमर्थता व्यक्त किए थे राधारानी को समझने के संबंध में। एंड तब भगवान श्री कृष्ण ही राधा द्युति सुललितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा द्युति राधा की कांति को और राधा के भाव को, इन दोनों को स्वीकार करते हुए कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में 550 साल पहले कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे नवद्वीप धाम में, मायापुर में। एंड जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की भक्ति के विषय में इस दुनिया को नहीं बताया, तब तक इस दुनिया को राधा के विषय में, राधा रानी के विषय में या राधा कृष्ण के विषय में समझने का कोई सामर्थ्य और क्षमता और योग्यता है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में, राधार महिमा, राधा की महिमा को प्रेम रस सीमा, जो कृष्ण प्रेम की सीमा को, मतलब किस हद तक कृष्ण प्रेम हो सकता है, एंड व्हाट एक्चुअली कृष्ण प्रेम मींस, कृष्ण प्रेम असलियत में होता क्या है, इसको अपना व्यवहारिक जीवन में दिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुई। एक तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण प्रेम के आस्वादन भी करते थे एंड उसी कृष्ण प्रेम का वितरण भी किया करते थे।
And this is said to be the highest of all gifts that the Lord has bestowed upon the fallen souls. बद्ध जीवों के ऊपर सबसे ऊंचे प्रकार के वरदान अगर किसने कभी भी आज तक दिया है तो वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है. और किस रूप में? कृष्ण प्रेम के रूप में. इसलिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा जाता है, अनार्पित चिराम चिरात करुण वातीर नकलो समर्पयो तुम उन्नत उज्ज्वल स्वभक्तिम श्रिय हरि ही पुरत सुंदर कंदर्प द्युति संदीपत सदा हृदय कंदरे स्फुरत सचिनंदना. जैसे हम पहले भी बता चुके थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में समझे बिना और चैतन्य महाप्रभु को कृपा को प्राप्त किए बिना कोई भी राधा कृष्ण को समझ ही नहीं सकते हैं. ये तो असंभव है, ये तो असंभव है. क्योंकि राधा कृष्ण की भक्ति को समझ पाना कोई बद्ध जीव के लिए, बद्ध जीव की क्षमता की कोई बात है ही नहीं. जब तक भगवान स्वयं राधा कृष्ण के विषय में प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक किसी को पता नहीं चल पाएगी. इसलिए राधा महिमा, राधा रानी की महिमा क्या है ये समझाने के लिए और कृष्ण प्रेम की क्या सीमा है ये दिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आते हैं. एंड जिन जिन बातों को कृष्ण ने केवल कहकर चले गए उन बातों को महाप्रभु करके दिखाए थे, करके दिखाए थे. क्योंकि कहकर चले जाना आसान होता है, क्या दो तीन बातें सुनाकर चले जाना और क्या, बट जब करके दिखाना होता है वो तो बहुत बड़ी बात है. तो कृष्ण ने कहा कि मेरी भक्ति करो, बट महाप्रभु ने कृष्ण की भक्ति करके दिखाए थे. एंड वो भी हाईएस्ट एग्जांपल सेट करके दिखाए थे कि यस, अगर श्रीमती राधा रानी अगर कृष्ण भक्ति करती है देन वो कैसे करेगी और किस प्रकार की अनुभूतियाँ पाती है श्रीमती राधा रानी कृष्ण भक्ति करने के दौरान. उन सारे अनुभूतियों को श्रीमान महाप्रभु अपने जीवनी के द्वारा दिखाए थे. अन्यथा चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता और भागवतम की शिक्षाओं का अपना जीवन के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से कैसे हमें उतारनी है अगर इसको नहीं दिखाएंगे तो इस दुनिया को कभी ये बात पता नहीं चलेगी कि ये भगवत गीता की शिक्षाओं को, भागवतम की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें कैसे और राधा रानी कौन है, कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये तो कभी इस दुनिया को पता चलने वाला नहीं है. इसलिए चैतन्य महाप्रभु के प्रति हम सभी आभारी है. केवल इसलिए कहते कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का वितरण करने के लिए ही महाप्रभु आए थे. कृष्ण प्रेम प्रदायते, एंड ऐसा उपहार महाप्रभु ने दिया है जो कि आज तक कोई भी अवतार, इतने सारे अवतारें हुई हैं. वैसा कितने अवतार हुआ है भगवान की? कितने लोग कहते हैं नौ हुआ और दूसरा कोई और नंबर? हाँ, 24. 24 वाले कितने हैं? ठीक है, और कोई और नंबर है? जैसे बताए जा रहे हैं भगवान की असंख्य अवतार है. भगवान के अनगिनत अवतार है, उसका कोई सीमा नहीं है. केवल कुछ गिने चुने अवतारों के विषय में हमें बताई गई है बस, और उस प्रकार से अनेक अनेक अवतार है जिन अवतारों के विषय में हम जानते तक भी नहीं है. वैसा अवतारों की कैटेगरी सी छह है, मतलब एक ब्रॉड कैटेगरीज में कहा जाए छह प्रकार के अवतार है. एंड एक एक प्रकार के अवतार में और कितने अवतार है आपको क्या पता. जैसे उदाहरण के लिए एक युग अवतार होता है, मतलब हर युग में भगवान अवतार लेते हैं. तो एक चतुर्युग में कितने अवतार हैं? फिर चार अवतार हो गया. उस प्रकार से कितने चतुर्युग बीत गए अभी तक, सृष्टि की शुरुआत से लेकर अभी तक ना, कितने युग बीत गया तो फिर कितने अवतार हो गए भगवान केवल युग अवतार के अंतर्गत एक कैटेगरी में बता रहे. उसी प्रकार से मनवंतर अवतार, युग अवतार, गुणा अवतार, पुरुष अवतार, लीला अवतार,
उस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अवतार है भगवान के, एंड एक एक कैटेगरी के अंतर्गत अनगिनत अवतार भगवान ने ले रखा है, ले रखा है इतने सारे। बट भागवत में कहा जाता है इन सारे अवतारों का मूल स्रोत है एते चाम सकलापुं स कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुरम लोकम रदियंति युगे युगे युगे। इसमें भगवान सुध गोस्वामी यही बात कह रहे हैं, जितने भी अवतारों के विषय में हम सुनते हैं, जितने भी प्रकार के अवतारों का एते चा, ये जितने भी मैंने अभी तक कहा है, एते चांस अम्स कलापुंस, ये जो महान पुरुष है, ये महान पुरुष जो है जिनके विषय में अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इसी महान पुरुष का ये अम्स और कला है। अम्स मतलब इनकी फ्रैगमेंटल पार्ट है और कला मतलब इनकी विस्तार है, इनकी विस्तार या नहीं तो उनकी अम्स है। यही जितने भी अवतार अभी तक चर्चा गया इन्हीं का है। तो फिर ये कौन है जिनके विषय में यहाँ पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके विषय में हम कहा जा रहे हैं, जिनके अवतार के रूप में सभी बाकी सारे अन्य अवतारों को कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को अवतार नहीं कहा जाता है, कृष्ण कौन है? अवतारी है ना, अवतारी है कृष्ण। और वैसा श्री कृष्ण जब धरातल पर प्रकट हुए थे, उन्होंने खूब सारे लीलाएं की और फिर लास्ट में भगवद गीता सुना दिया, फिर उसके बाद उद्धव गीता भी सुना दिया, फिर उसके बाद चले गए थे। बट उन्होंने दिखाए नहीं, अब पता नहीं करे क्या। कई लोग पूछते हैं प्रभु जी भगवद गीता हम पढ़ तो लेते हैं बट पढ़कर करना क्या है, पढ़कर करे क्या, इसका हम अपने जीवन में कैसे उतारनी चाहिए, क्या करनी होगी, लोगों को समझ नहीं आता। तभी महाप्रभु आए थे, ठीक है मैं आता हूँ मैं समझाऊंगा करके, तेन महाप्रभु आकर महाप्रभु खुद भगवत गीता के शिक्षाओं को, भागवत की शिक्षाओं को, गोपियों की भक्ति, ये सारा कुछ व्यवहारिक तौर पर कैसे करनी चाहिए ये करके दिखाए थे, करके दिखाए थे। दैट इज वाई यहाँ पर कहा जाता है अनार्पित चिराम अनअर्पिता, किसी अवतार ने भी आज तक उस प्रकार के उपहार नहीं दिया जिस प्रकार के उपहार चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी लोगों को दिए हैं। बिकॉज ही इज गिविंग अस कृष्ण प्रेम प्रदायत, भगवान श्री कृष्ण का ही प्रेम को वो उपहार के रूप में दे रहे हैं। वो भी अपात्र अपात्र ना ही विचार, कोई कौन योग्य है कौन अयोग्य है इसको देखे बिना ही सभी को बांट रहे हैं, जो भी इच्छुक है लेने के लिए उनको दे दे रहे हैं। तो उस प्रकार से तभी हम जैसे लोगों को आज भागवतम पढ़ने का, कृष्ण भक्ति करने का, कृष्ण के विषय में समझने का मौका मिल पा रहे, नहीं तो हमारा नंबर कभी नहीं लगने वाला, कभी नहीं लगने वाले, नहीं तो हम कहाँ पे हैं और कहाँ पहुंच गए अभी। कैसे पता चलता है कि वृंदावन के विषय में, महाप्रभु के विषय में, कृष्ण भक्ति के विषय में, भगवद गीता के विषय में कब और कैसे पता चलने वाली है? ये तो कभी नहीं पता चलने वाली है, वो केवल और केवल महाप्रभु ले आए थे तभी हमें पता चला। तभी कहते हैं महाप्रभु का अवतार के विषय में, तुम्हारा लोहिते अमी हो न अवतार, तुम्हें वापस अपने साथ ले जाने के लिए ही मैं अपना अवतार लिया हुआ हूँ। उद्देश्य यह है हमें भगवान अपने साथ ले जाने के लिए भगवान आते हैं। जैसे जब हम अपना समय मोस्टली हम हॉस्टल में बिताए थे, जब हम हॉस्टल में रहा करते थे तो हमारे मम्मी पापा आया करते थे, वो आते थे हमें ले जाने के लिए, वह हॉस्टल में रहने के लिए नहीं आते थे ना, वो हमें ले जाने के लिए आते थे। उसी प्रकार से भगवान भी आते हैं यहाँ पर, हमें ले जाने के लिए आते हैं। एंड कई मूर्ख लोग जब भगवान इस प्रकार से ले जाने के लिए आते हैं, उनको लगता है कि ये भी हॉस्टल में ही पढ़ते हैं, ये भी इसी हॉस्टल के हैं, तो हॉस्टल की सारा नियम उनके ऊपर थोप देते हैं। तुम्हें भी इतने बजे को मैस में आना है, इतने बजे को स्टडी आर शुरू हो जाते वहां पर आना होगा, इतने पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम भी लिखना होगा, ये सारा नियम उनके ऊपर लगा दिया।
तो फिर ये क्या मूर्खता नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा मूर्खता है, क्योंकि लोग भगवान जब हमें ले जाने के लिए आ रहे हैं, उस भगवान के ऊपर हम अपने हॉस्टल के नियम लगा दे रहे हैं, तुम्हें भी यही रहना होगा, तुम्हें भी इतने बजे उठना है, इतना ये करना है, वो करना है करके। पर भगवान तो भगवान है, उनके ऊपर क्या लगाना। तो उस प्रकार से महाप्रभु के अवतार हुआ। तो महाप्रभु फिर आते वक्त अपने साथ एक विशेष धन लेकर आए थे, एंड उसके विषय में कहा जाता है, एने च औषधि माया नाशी भारी लागी। भगवान हमारी जो रोग है उसे ठीक करने के लिए औषधि लेकर आए थे अपने साथ। एंड फिर यहाँ पर उस दवाई को वितरण कर रहे हैं हमारे भव रोग को ठीक करने के लिए। एंड ये औषधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस औषधि को महाप्रभु लेकर आए थे, एंड उस औषधि को हम स्वीकार करें तो फिर जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी, एंड अगर नहीं करें देन फिर बीमार ही रह जाएंगे। बीमार रहने पे कोई भी बीमारी का लक्षण होता है ना, जैसे बुखार हो गया तो देन फिर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कुछ खाने का मन नहीं होता, बहुत कड़वा कड़वा लगने लगता है सब कुछ, है ना। ये सारा बुखार के सिम्टम्स है, लक्षण है। उसी प्रकार से भव रोग की क्या लक्षण है? भव रोग की यही लक्षण है कि हम काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य, ये छह लक्षण है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार समस्याएं हैं, और आदि देवी क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, ये तीन क्लेश है, तीन प्रकार के कष्ट है, और चार समस्याएं हैं, और छह प्रकार के अनर्थ है। ये सारे मिलजुल कर ये भव रोग के लक्षण माना जाता है। आप में से कितने लोगों को ये समस्या है, ये लक्षण कितने लोगों में, बताइए। ठीक है, जिन में नहीं वो हाथ उठाइए, सभी में है ना। फिर दवाई किनको लेना है? सभी को लेना है ना। फिर कितने लोग ले रहे? फिर देखिए सभी नहीं ले रहे। जब रोग सभी को है, दवाई सभी को लेना होगा ना। रोग सभी को, दवाई सभी को लेना होता है। फिर जो जो लोग जिन जिन को बीमारी लगा हुआ है, ये लक्षण है, तो फिर वो जरूर ये दवाई लेकर जाना है। कम से कम ये दवाई का डोसेज जिस प्रकार से है, कितना डोसेज ये दवाई? गोल गोल वाला गोली जो है 16 लेना होता है दिन में। बट यही बात है कि 16 की 16 गोली एक बार लेंगे तो तब ज्यादा फायदा होता है, वो भी सुबह के समय खाली पेट। सोलह गोली लेना होता है खाली पेट सुबह के समय पे। नहाने वहाने से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी नहाए तो फिर भी आप कर लेना पहले तो। हम 16 माला तो 16 गोली तो ले लेनी चाहिए। अगर ठीक है, अगर जिनकी इतना आदत नहीं है, कम से कम 2-3 से तो शुरू तो करे, 2-3 से शुरू करे। अगर दवाई नहीं लेंगे तो कभी ठीक नहीं होगा। हाँ कोई बात नहीं, जो भी उपाय करना है करो, बट माला करना है। जो भी उपाय करना है करिए, बट माला जरूर से हमें करनी चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में ना, माला जरूर से करनी चाहिए। ये दवाई हमें, हम सभी लोगों को लेनी चाहिए। जब बीमारी सभी को ही लेनी चाहिए। देखिए ये बीमारी का दवाई देने के लिए भगवान खुद गोलोकम परित्यज्य लोकानाम त्राण कारणात्,
इस सारा दुनिया को इस रोग से बचाने के लिए भगवान खुद गोलोक छोड़कर यहाँ आए थे। आप लोग कभी जानते हैं क्या कितना दूर है गोलोक? कभी जाकर आए तो नहीं? 125 किलोमीटर। एक बार हमारे भक्त ऐसे ही प्रयागराज में कहीं प्रचार कर रहे थे, वो लोग वो गोलोक वृंदावन के विषय में बता रहे थे, गोलोक वृंदावन ऐसा है वैसा है, वहाँ बिजली की जरूरत नहीं, वहाँ चंद्रमा नहीं होता, वहाँ की सूर्य की जरूरत नहीं, ये वो करके वो खूब बता रहा था। तो उन्होंने कहा कि कौन कौन चलेंगे, कोई हाथ नहीं उठा रहे थे। देन फिर जरा सी एक व्यक्ति हाथ उठाया, उन्होंने कहा कि प्रभु जी मैं चलता हूँ आपके साथ, बताओ कहाँ जाना है। फिर थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि प्रभु जी थोड़ा काम है, वापस कब लौटेंगे? वापस कब लौटेंगे? तो ये मूर्ख आप देखिए, वहां जाकर भी लौटने की बात कह रहे हैं, वहां रुकने की बात नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसा दिमाग घुमा हुआ है लोगों की इस रोग की वजह से ना। जैसा कभी किसी को कुछ रोग हो जाता है तो वो पागल व्यक्ति की तरह बातें करता है, मेंटली सिक है, पागल व्यक्ति की तरह बातें करने लगता है। तो उसी प्रकार के पागलपन हम में भी है, बिकॉज ऑफ विच हम वी आर अनेबल टू अप्रिशिएट दीज स्पिरिचुअल ट्रूथ, ये आध्यात्मिक सच्चाई को हम समझ नहीं पा रहे या अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। इसलिए सभी लोग ये दवाई लीजिए जो महाप्रभु स्वयं लाए थे। इसके विषय में कहा तो जाता है कि भक्ति विनोद प्रभु चरण पोड़िया, श्रील भक्त विनोद ठाकुर तो क्या करते थे, भगवान के श्री चरणों पे गिर के वो भीख मांगते थे, भगवान हमें हरि नाम महामंत्र लो इलो मांगिया, वो भीख मांगते थे कि मुझे भी हरे कृष्ण महामंत्र दीजिए जिससे मैं वो स्वीकार करके अपना बीमारी को ठीक करूं करके। इस प्रकार से एक्चुअली में हमें भगवान के चरणों पे गिर कर भीख मांगना होता है, हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र रूपी दवाई हमें भी दीजिए करके। बट यहाँ पर तो इस प्रकार से भीख मांगे बिना, जैसा वो होता है क्या होता है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है ना वो घर डोर डोर पे पोलियो का वैक्सीनेशन, उस प्रकार से एजेंट्स को भेज दिया गया है कि आप दरवाजे पे जा जाकर कड़कड़ा कर फिर लोगों को बुलाकर जबरदस्ती भी क्यों ना हो आप उन्हें वैक्सीनेशन दे दो करके। और उस प्रकार से महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को लगा दिया है सेवा में, एंड ये जितने भी दोते को तम दिख रहे हैं ना वो सभी वही लोग एजेंट है, ये सभी भगवान के एजेंट है, जिनकी हाथ में आप देखेंगे वो सुई होता है, हमेशा करते रहते हो लोग चलाते रहते हैं, वो आपको भी चिपकाएंगे। इसलिए तो बट अच्छा चीज है ना, वाई नॉट एक्सेप्टेड। तो ये असलियत में असली वैक्सीनेशन है ये, जो हमें जिस प्रकार से हम कोरोना के वैक्सीन लेते थे पहला फर्स्ट फेज सेकेंड फेज थर्ड फेज ऐसा करके ना, अभी कौन सा फेज चल रहे हैं, अभी भी चल ही रहे हैं ना, बूस्टर डोज ये डोज वो डोज करके। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी आप दो माला से शुरुआत करो, फिर उसके बाद बूस्टर डोज आएगी, फिर उसके बाद कुछ और डोज, तो उस प्रकार से बढ़ाएंगे। बिकॉज माया तो बिल्कुल खतरनाक है, बहुत खतरनाक, कोई बच नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप अच्छा से ये दवाई लीजिए तेन बच पाएंगे। एक तो ये वाला दवाई लेना है, दूसरा हमें शास्त्रों का अध्ययन करनी है, गीता भागवत का अध्ययन करनी है, और संगति के लिए हमें नियमित रूप से हफ्ते में कम से कम एक बार क्यों ना हमें मंदिर आना चाहिए, भक्तों के समाज में इस प्रकार से बैठ के हमें भागवत गीता की प्रवचन हमें सुनना चाहिए, इन भक्तों के समाज में आकर फिर हमें कीर्तन करनी चाहिए, जप करनी चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य जब हम करेंगे और नियमित रूप से जो भी हम घर पर बनाते हो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाएं,
तो ये सारे कार्यक्रम हम सही प्रकार से करने पे देन फिर धीमे धीमे हमारा रोग ठीक होते हुए हमें खुद ही नजर आएगी. वी आसल विल स्टार्ट फीलिंग दैट दिस डिसीज इज गोइंग अवे. ये बीमारी धीमे धीमे ठीक हो रही करके हमें खुद अनुभव होगा, खुद अनुभव होगा. तो इसलिए आप सभी इस प्रकार से करो. एंड ये वृंदावन धाम में आने का भी यही मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है. अगर इस उद्देश्य को समझे बिना आप केवल आकर देख कर चले जाएं, तो बक्शीदास महाराज कहा करते थे इस प्रकार से देख कर चले जाने तो आंखों की कसरत है. जैसा अभी कभी आप ऑप्टोमोलॉजिस्ट, आंखों की आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना, ऑप्टोमोलॉजिस्ट के पास, वो क्या कहता है, आप प्रतिदिन आंखों की कसरत करो, आंख के ऊपर घुमाओ, नीचे करो, साइड घुमाओ, इस तरह करो, कभी कभी आप पलके बंद करो फिर खोलो. तो इस प्रकार से कुछ कसरत बताते नहीं, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, आंखों की एक्सरसाइज कुछ बताते हैं. भगवान के दर्शन उसी प्रकार की कसरत हो जाएगी. भगवान के सामने खड़े रहेंगे और आंख बंद करके खोलेंगे, आंख बंद करेंगे खोलेंगे, आंख बंद करके खोलेंगे, बट है कौन पता नहीं है, देख किन को रहे हैं ये भी पता नहीं है, और खड़े होकर करना क्या है ये भी नहीं पता, ये सारे को पता ही नहीं चलेगी जब तक हम साधु संगति करके जब ये सारे बातें जानेंगे नहीं, तो जानेंगे नहीं तो ये सारे बातें कभी पता नहीं चलेगा. तो इसलिए ही हम इस प्रकार से व्रज धाम में आने के यही मुख्य अवसर, मुख्य उद्देश्य है, ताकि हमें भी कुछ तो लगे यहाँ का जो भाव है, कुछ तो लगे पहले जो भक्ति भाव. एंड फिर जब कुछ लगने का मतलब है ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने इत्यादि हम शुरू तो करें. तो उस प्रकार से चेतन महाप्रभु की बहुत ही विशेष विशेष अवतार है. एंड चेतन महाप्रभु को के बिना हम कभी राधा कृष्ण के विषय में समझ नहीं पाए. इसलिए कहते हैं कि रूप रघुनादा पदे होई भी आकुति कबे हम बुझावो से जुगल अपी रीति. श्री रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के पद चिन्हों में चले बिना और उनके द्वारा लिखी गई शास्त्रों का अध्ययन किए बिना और उन शास्त्रों के प्रति रुचि विकसित किए बिना कोई भी व्यक्ति युगल अपी रीति श्री युगल ज्योति श्री श्री राधा कृष्ण की जो दिव्य संबंध के विषय में कभी नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा. और फिर राधा कृष्ण के विषय में क्या उसी भजन में इस प्रकार से कहा जाता है, विषय चाड़िया कभी शुद्ध हबे मन कभी हम हेरी वो श्री वृंदावन. इसमें बताया जाता है सभी लोगों को वृंदावन दिखाई तक भी नहीं देता है. I mean, although he may be here, but still he will not be fit enough to see the Vrindavan. Vrindavan को देख ही नहीं पाते व्यक्ति. फिर यहाँ पर बताया जाता है कौन ऐसा व्यक्ति जो देख सकता है, विषय चाड़िया कभी शुद्ध हबे मन. जब हमारा मन विषय वासनाओं से बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, उसी दिन हमें वृंदावन अपने वास्तविक रूप में दिखने लगता है. तब तक हम वृंदावन आएंगे, थोड़ा कसरत करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद देखेंगे हृदय तो वैसे के वैसे रहेगा बट आंखों की साइट कम हो जाएगी, क्योंकि कसरत कर रहे हैं ना. आई एक्सरसाइज करने से तो हमारा साइट ठीक हो जाता है, तो आपकी साइट ठीक हो जाएगी बट हृदय ठीक नहीं होगा. तो हृदय ठीक करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है विषय छाड़िया कभी. जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक वृंदावन का दर्शन ही नहीं हो पाता है. तो वही भजन यहाँ पर बताया जा रहा. तो फिर इस विषय वासनाओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं उसके विषय में बताया जाता है, आर कबे निताय चांदे करुणा हाई बे संसार वासा न मोरे तुच्छ हो बे कबे तुच्छ. उसमें बताया जाता है अरे कब मेरे ऊपर श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी जिनकी कृपा के कारण मेरे हृदय में स्थित सारे संसार की प्रति वासनाएं खत्म हो जाएंगी. ये चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही व्यक्ति के हृदय में जितने भी संसारिक वासनाएं खत्म हो जाएंगी.
Until and unless the heart is pure, one will not be fit enough to see Vrindavan. तब तक हमें जिस प्रकार से अगर मैं अपने आंखों पे एक लाल रंग की चश्मा पहनूं तो फिर सब कुछ कैसे दिखेगा? लाल. हरा रंग की पहनूं तो हरा दिखेगा. उसी प्रकार से हम काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्य से बना हुआ स्पेशल चश्मा हम पहन रहे हैं तो कैसे दिखेगा मुझे? सब कुछ कामुक क्रोधपूर्ण अहंकार से मत, तो उसी प्रकार की दुनिया आपको दिखाई देगी. फिर हर जगह आपको क्रोध ही नजर आएगी, हर जगह काम ही नजर आएगी, हर जगह लोभ ही नजर आएगी. इसलिए लोग कहते हैं ना, प्रभु जी मेरे चारों ओर बिल्कुल खचड़ा है. खचड़ा बस वही नहीं है, चश्मा में है अपने, अपने चश्मा ही कचड़ा. तो फिर क्या दिखाई देगा? सारा कचड़ा ही दिखाई देगी. अगर मैं चश्मा उतार दूं तो फिर सही दिखाई देगी ना. तो वो चश्मा उतरवाई जाएगी. ये नित्यानंद प्रभु उतारते हैं, ये काम उनका है. संसार वासना मोरा, ये संसार की वासनाएं जो है सारे नित्यानंद प्रभु उतारते हैं. तो इसलिए उनके पास जाएंगे तो फिर उतारेंगे ना. तो इसलिए चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के विषय में समझना होगा. और एल्स इसलिए कई बार पीपल विल सेंस लॉट ऑफ नेगेटिविटी आउटसाइड. नेगेटिविटी डेफिनेटली इट्स देयर आउट, बट एक्चुअली नेगेटिविटी हमारे अंदर है. नेगेटिविटी हमारे अंदर है, इसलिए हर जगह ही आपको नेगेटिविटी दिखाई दे रहे हैं, हर जगह ही. एंड ऐसा नेगेटिव लोग ही हमेशा आते हैं प्रॉब्लम ही लेकर, कंप्लेन लेकर. प्रभु जी ये खचड़ा है, गंदा व्यक्ति है, ये बहुत गुस्सालू है, ये है, वो है, ये मेरा बॉस तो बॉस नहीं, वो तो उस कम्स है. तो मेरा पत्नी तो वो तो सूर पर नका है. तो ये सारा कंप्लेंट कौन लेकर आ रहे? ये सारा कंप्लेंट वही लोग लेकर आते जो बिल्कुल नेगेटिव लोग हैं, जो कम से कम आई मीन हु आर बैलेंस्ड. वो दोनों बात कर सकते मे बी एटलीस्ट, बट कई लोग तो केवल नेगेटिव ही नेगेटिव देखते हैं. तो फिर नेगेटिविटी एक्चुअली हमारा हृदय में जब तक है, जब तक मैं वही चश्मा पहनकर देखूं तो, नेगेटिव चश्मा पहनकर देखूं तो हर जगह नेगेटिविटी दिखाई देगा. तो वही समस्या है. आप सभी लोग समझ आ रहे हैं? तो यहाँ पर तो एसी लगा हुआ है ना. अरे नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, वही तो हम बता रहे अभी तक. 16 पे चल रहा है, इसलिए हमने कहा था कि वहां पर 10 पे लगा हुआ था एसी, वहां पर क्लास करेंगे करके मैंने बोला था. अपने आज मैंने कहा कि ये आते हिमालय है, क्या करते. कोई बात नहीं, हम तो भक्त है, भक्तों को कभी ना गर्मी लगता है ना ठंड लगता है, सारा चीजों के परे है भक्त. तो इस प्रकार से ये नेगेटिविटी के विषय में बता रहे हैं, है ना. एंड जब ये सारा कुछ खत्म हो जाता है, देन यू विल स्टार्ट रियली सीइंग वृंदावन, एंड तब यू विल बी एबल टू रिलिश वृंदावन. नहीं तो इतने बड़े बड़े महान संत वृंदावन को लेकर इतने पागल क्यों हो जा रहे हैं? हमें तो लगता है कि क्या इतना गरम गरम है यार, ये क्या ले आए, धूप के समय ही ये लोग रख दिया यात्रा. एंड अभी भी वो एसी बस होने के कारण बच गए. अगर वो नहीं होते तो देन फिर लोग क्या कर दिए होते. बाप आराम.
एंड दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट रिलिशिंग वृंदावन होली नेम द डीटीज एंड एवरीथिंग है ना. दिस इज हाउ. ठीक है, हम यहां पर आप लोग बताइए कि आपके पास कुछ प्रश्न है पूछने के लिए या हम पूछे कुछ. वैसा चैतन्य चरितामृत नामक एक ग्रंथ है जिसके जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं उनकी शिक्षाओं के विषय में बहुत ही विस्तार वर्णन है. बट डेफिनेटली अभी कसम पर आप वो पढ़ने के बजाय श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी को एक कंसाइज फॉर्म में उसी पुस्तक से लेकर एक कंसाइज फॉर्म में छोटे पुस्तकों में है लॉर्ड चैतन्य एंड हिज लाइफ करके भक्ति विकास स्वामी महाराज ने लिखा है, वो पुस्तक पढ़ने पे आपको संक्षिप्त में चैतन्य महाप्रभु जीवनी के विषय में पता चलेगा उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया है. फिर आगे जाकर जब आप धीमे धीमे भक्ति भागवतम पढ़ेंगे देन फिर चैतन्य चरितामृत भी आप पढ़ सकते हैं. अच्छा मानसरोवर की. ठीक, मैं वो ब्रजवासियों से ही हम सुनेंगे, वो जितना अद्भुत रूप से बताते हैं हम तो कभी बोल ही नहीं पाएंगे उस प्रकार से. एंड वो जो यहाँ के निवासी वो लोग अच्छा से जानते हैं, फिर उनसे हम थोड़ा सा सुनेंगे लास्ट में, ये कथा होने के लास्ट में सुनेंगे. और किन के और क्या प्रश्न है. मेरा क्वेश्चन कि हम जब माला करते हैं तो माला से ही महामंत्र का जप करें या उंगली पे भी कर सकते हैं. अच्छा, माला से ही. ओके, देखिए उंगली पे करने पे मतलब उंगली पे कर ही सकते हैं, वैसे कोई ये नुकसान तो नहीं है. बट फिर भी माला पे करने के लिए क्यों रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि उंगली पे करने पे हमारा गिनती करने में हमारा बहुत ध्यान चले जाता है उसमें. अब गिनती करने में बहुत ध्यान चले जाते हैं, अभी कौन सा वाला चल रहा है, अरे शायद ये दूसरा वाला चल रहा होगी, वो उस पर ध्यान चले जाता है. अभी माला पे करेंगे तो देन फिर उस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं गिनती करने में, वो ऑटोमेटिकली गिनती हो जाता है ना. बट उंगली पे तो आपको गिनती करने में समय ध्यान चले जाता है, इसलिए हमारा पूर्ववर्ती आचार्यों ने सभी लोग इस प्रकार से माला पे करने की अभ्यास किए हुए थे. बट कोई कोई ऐसा विशेष लोग तो है भी जो कि उंगली पे करे भी थे, बट साधारणतः जनरली माला पे करना ही बेस्ट है. समझ आ रहे हैं ना, बिकॉज हम काउंटिंग पे ध्यान देने के बजाय हम भगवान के नाम को सुनने में हम ध्यान लगा सकते हैं और काउंटिंग ऑटोमेटिकली चलनी चाहिए, ये माला पे करने पे संभव होता है. ठीक है, वैसे कई बार महाप्रभु अपन उंगली में करते थे, बट जितने भी गोस्वामी वगैरह रहे थे वो सभी तो माला पे ही किए थे. प्रभु जी, जैसे आप सुबह के लेक्चर में कह रहे थे कि हम जब नर्सरी क्लास में रहते हैं तो नर्सरी जैसा हमारा टेस्ट होता है, जैसे आप कह रहे थे प्रभु जी कि नर्सरी क्लास में रहते हैं तो नर्सरी के लेवल का ही एग्जाम होता है, और हम ये भी देखते हैं कि भक्त बहुत विनम्र होते हैं और वो जब भी पूछे कहेंगे कि हम तो नर्सरी क्लास में ही, तो जब बड़ा एग्जाम आएगा तो कहेंगे प्रभु जी हम तो नर्सरी क्लास में ही है, बड़ा वाला एग्जाम आ गया हमारे लिए, तो ये तो हमारे लिए ज्यादा हो गया. देखिए हम अपने आप को क्या समझते हैं उसके अनुसार हमें हमारी स्तर निर्धारित नहीं होगा,
कोई अपने आप को बहुत पहुंचे हुए होने के बाद भी अपने आप को कम समझता है, एंड कोई कोई निम्न होने के बाद भी वो अपने आप को पहुंचा हुआ महात्मा के रूप में मानते हैं, देन फिर उनको महात्मा वाला टेस्ट, इनको नर्सरी वाला टेस्ट नहीं दी जाएगी। रादर ये स्तर भगवान जानते हैं, गुरु जानते हैं हमारी क्या स्तर है, उसी के अनुसार हमें सेवाएं हो या हमारी ओडी से एग्ज़ाम हो उसी प्रकार से देते हैं। ठीक है, आपकी ये स्तर है तो आप ये एग्ज़ाम लो करके, तो उस प्रकार से गुरु भगवान उस प्रकार से देते हैं। तो इसलिए वो हमारी स्तर समझते हुए दे रहे करके ही हमें मानकर हमें स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि हमारे विषय में हमसे बेहतर कौन जानते हैं? भगवान और गुरु जानते हैं ना, हमसे बेहतर तो वही लोग जानते हैं हमारे विषय में भी। तो इसलिए वो लोग असलियत में पहचानते हैं हम कौन सी कक्षा में हैं, तो उस कक्षा के अनुसार ही मुझे परीक्षा पेपर दिया जा रहा है। तो उस प्रकार से मानकर जो भी भगवान हमारे जीवन में दे उसको हमें स्वीकार करनी चाहिए, मेरे से बेहतर भगवान जानते हैं करके। यस, भागवत में कहा जाता है कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण संगोपांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। इसमें बताया जाए सुमेधसः, सबसे बुद्धिमान लोग क्या करेंगे? वो संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की पूजा करेंगे। संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की पूजा करेंगे जो सबसे बुद्धिमान लोग। इसलिए डेफिनेटली इस कलयुग के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु की उपासना के द्वारा ही हम राधा कृष्ण को समझ सकेंगे। अभी वैसे भी चैतन्य महाप्रभु का पूजा उपासना भक्ति निश्चित करनी चाहिए। एंड विधान क्या है? यही है, हरे कृष्ण नाम संकीर्तन ही है उसका विधान। क्योंकि महाप्रभु तो यही आज्ञा दी है ना, आप सभी लोग संकीर्तन करो करके, तो उनके आज्ञा के पालन करना ही उनकी सेवा है। इसलिए गौरनिताय की पूजा में आप बहुत कुछ नहीं भी कर पाए, अगर मान गौरनिताय विग्रह भी है बहुत कुछ आप उनकी सेवा, जिस प्रकार से राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा होती है उतना स्ट्रांगली नहीं भी कर पाए, कम से कम गौरनिताय के सामने बैठ कर अगर कीर्तन कर लेना, वो लोग आनंद पारवश में वो लोग नाचने लग जाते हैं, दे लाइक इट सो सो वेरी मच। इसलिए हमें चैतन्य नित्यानंद प्रभु का पूजा करने को उपासना करने का तरीका यही है संकीर्तन। अभी तो आप विग्रह वगैरह मत रखिए, आप अगर लड्डू गोपाल जी है तो ठाकुर जी है तो ठाकुर जी रहने दीजिए, बस हमें निश्चित रूप से हमारे पास पंचतत्व गुरु परंपरा षड गोस्वामी वृंद की इनकी चित्र होनी चाहिए, और बिकॉज हम जो भी सेवा करते हैं इन्हीं का ही माध्यम से भगवान हमारे सेवा स्वीकार करते, कभी भी भगवान सीधा हमारे सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण की सेवा करने में कौन योग्य है? केवल श्रीमती राधा रानी कर सकती है ना, इसलिए गोपियां सारे सब कुछ बनाएगी बट भोग कौन लगाएंगे? राधा रानी ही तो लगाएगी, है ना। कृष्ण की सीधा सेवा करने का योग तो कोई और है नहीं, तो उसी प्रकार से राधा रानी तक हमारी सेवा कैसे पहुंचेगी? इसी परंपरा के माध्यम से। तो इसलिए हम जो भी सेवा करते हैं हमें परंपरा के माध्यम से, राधा रानी के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाते हैं, हम सीधा कृष्ण की सेवा करने में हम योग्य नहीं, तो बेसिकली ये भावना है। ठीक है, 16 माला करके या 16 माला से ज्यादा करके गोलोक धाम का टिकट मिल जाएगा? अच्छा, सस्ते में चाहिए। तो प्रश्न समझ आया सभी को? नहीं समझ आया? ओके, ठीक है, हम बता दें 16 माला थोड़ा बहुत ज़्यादा करके भी
भगवद्धाम का टिकट मिल जाएगी या नहीं। अगर किसी शुद्ध भक्त ने कहा हो कि 16 माला आप करो, 4 नियमों को पालन करो और इस प्रकार से करो तो मैं तुम्हें भगवद्धाम ले जाता हूँ, देन उनकी कहने के बल पे हम जा सकते हैं, उस माला के बल पे नहीं, उस माला के बल पे नहीं। भगवान अपने भक्तों की बातों को सच स्थापित करने के लिए हमें भगवद्धाम ले जाएंगे, नहीं तो हमारे माला वैसे ही राउंड राउंड होता नहीं है। है तो राउंड बट रेक्टेंगल स्क्वेयर स्फीयर ये वो चलता ही रहता है। कभी कई लोग ऐसा माला करते हैं कि कई बार माला हाथ से गिर ही जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि माला कब गिर चुकी है, बिकॉज वो ध्यान लगा रहे हैं आंखें बंद करके। तो फिर ऐसा वैसा माला से कौन कहा भगवद्धाम चले जाएंगे। तो इसलिए बट अगर किसी महान संत ने अगर कहा है यस आप कम से कम इतना तो करो, तो उनकी बातों को सच स्थापित करने के लिए भगवान हमें भगवद्धाम ले जाएंगे, हम कितने भी अयोग्य कौन हो, अगर अगर शुद्ध भक्त ने कह दिया तो, है ना। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का ये वचन है, श्रील प्रभुपाद जी का ये वचन है, अगर कोई इस प्रकार से 16 माला का नियमित जप करे वो भी अपराध रहित, अपराध रहित 16 माला का जप करे और 4 नियमों का, कम से कम 16 माला का जप करे, 4 नियमों का पालन करे और इस प्रकार से जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो स्थापना किया है इस्कॉन आंदोलन के अंतर्गत, अगर भगवत गीता गीता भागवत के प्रचार की सेवाओं में सहायता प्रदान करे, अपने 100 प्रतिशत देकर, उसी प्रकार से ये सारे चीज़ें जो भी श्रील प्रभुपाद जी नीति नियम बनाए हैं अगर उनके अनुसार चले तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पास भगवद्धाम की पिछले दरवाजा की चाबी है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो फिर प्रभुपाद जी ले जाएंगे बट ये सारा चीजें करना होगा ना, जो प्रभुपाद जी ने जो जो कहा है वो तो करना होगा, अगर नहीं करेंगे फिर दरवाजा थोड़ी खोलेंगे। तो फिर करिए तो फिर दरवाजा प्रभुपाद जी खोल देंगे, देन फिर हमें ले जाएंगे, नहीं तो हम कहाँ अपने बल पे कहाँ पहुंच जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। तो उस प्रकार से ठीक है, और ना इनके बाद मिल ऑन है बिकॉज उनको ये पॉइंट नहीं पता जो आपको पता है। देखिए इसलिए बताया जाता है कि वन हु इज क्लियर विथ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, ज्ञान और समझ में जिनकी क्लैरिटी है तो उनको ये वाला कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे, ये सारा कन्फ्यूजन्स नहीं रहेगा, बिकॉज उनको बिल्कुल क्लियर है।
करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, उनको क्लियर है। बट जिनकी बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिना, जिनकी मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस है, 10 दिशाओं में उनके दिमाग दौड़ रहे हैं, बिकॉज उनका लक्ष्य क्लियर नहीं है, इसलिए 10 दिशाओं में वो अपने दिमाग को दौड़ा रहे हैं, तो फिर ऐसा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कौन सी दिशा को पकड़े, अभी 10 है, 10 में से कौन सा मुझे पकड़ना है, वो कन्फ्यूज होते हैं, उनके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। बट जो व्यक्ति एक है कुरुनंदना, व्यवसायत्मक बुद्धि ही एक है कुरुनंदना, जिनका लक्ष्य बिल्कुल एक ही करके जो फिक्स्ड है, फोकस्ड है, तो उनको क्लियरली पता चलता है मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, बिकॉज ये मुझे अपने लक्ष्य के और आगे ले जाती है, और ये तो मुझे अपने लक्ष्य से बाधा बनते, ये नहीं करूँ, ये करता हूँ, उनको क्लियर हो जाता है। तो इसलिए हमें शास्त्र अच्छा से पढ़े, एंड केवल पढ़ना ही नहीं है, साधुओं से सुने एंड सेवा करें, देन फिर ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। केवल पढ़ने से भी ज्ञान नहीं आएगी, जब व्यक्ति उस पढ़कर सेवा करता है तन मन जन लगा कर, देन फिर वो ज्ञान, वो पैकेट खुलने लगता है, देन फिर वो ज्ञान प्रकाशित होता है उस प्रकार से। यस प्रभु, महामंत्र के अर्थ, हरे कृष्ण महामंत्र के अर्थ पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इसमें हरे मतलब, हरा मतलब भगवान की शक्ति है राधा रानी, और हरे मतलब राधा रानी को संबोधित करते हुए, जैसा राधा मतलब राधे कहते हैं, उसी प्रकार से हरा को हरे कहते हैं, तो इसलिए हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण ही है। उसी प्रकार से हरे राम मतलब रामा, ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है, राधा रमन, राधा रानी को जो आनंद प्रदान करने वाला राधा रमन है, तो इसलिए उन्हें ब्रजवासियों को भी आनंद प्रदान करती, इसलिए रामा कहा जाता है। हालांकि बलराम जी का भी नाम है, और अयोध्या वासी भगवान कोदंड राम का भी एक राम ही नाम है, बट आप किस भावना के साथ वो राम शब्द उच्चारण कर रहे हो उसके ऊपर निर्भर है, वहाँ पर हरे शब्द क्या सूचित करेगी। अगर मैं रामा शब्द से कृष्ण को ही संबोधित कर रहा हूँ, देन फिर ये भी पुनः राधा कृष्ण ही होता है, तो इस प्रकार से राधा कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं। बट कोई कह सकते पर फिर प्रभु हरे कृष्ण क्यों, राधा कृष्ण क्यों ना कहे। देखिए, जब हमें शास्त्र में जो जिस प्रकार से नाम लेने के लिए कहा जाता है उस प्रकार से हम नाम लेते हैं। अगर शास्त्र में अगर सीधा कलिसंतरण उपनिषद में अगर सीधा यही कहा जाए राधा कृष्ण के नाम लेने, तो वही लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। बट वहां पर हमें हरे कृष्ण लेने के लिए कहा गया तो हम हरे कृष्ण ले रहे हैं, बिकॉज शास्त्रों को जिस प्रकार से डॉक्टर को पता है ना कौन सा दवाई हमें देनी है, तो फिर डॉक्टर ने जो कहा वो दवाई हमें लेना है, तो उसी प्रकार से हमें जब शास्त्र ये डॉक्टर हमें बताते हैं कि ये दवाई आपके लिए सूट करेगी, फिर ये दवाई लो, तो फिर वो दवाई हम लेते हैं, तो इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, ओके, वेरी नाइस। देखिए, दोनों ही जरूरी है, दोनों ही जरूरी है, जब करने की गुणवत्ता, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों जरूरी है। कम से कम इनिशियली एक मिनिमम क्वांटिटी तक आने तक हम क्वांटिटी को रेज करते जाएं, देन फिर उसके बाद उस क्वांटिटी पे क्वालिटी को लाने का प्रयास किया जाए, क्वांटिटी पे क्वालिटी को लाने का प्रयास किया जाए, बिकॉज देन फिर क्योंकि क्वालिटी लाने के लिए आपके पास कंसिडरेबल प्रैक्टिस करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को क्रिकेट मैच खेलना है, वो नेट प्रैक्टिस करेगा ना, कंसिडरेबल नेट प्रैक्टिस करता रहेगा, देन जब कंसिडरेबल प्रैक्टिस होगा, देन फिर वो ग्रीस में जाकर कुछ खेल सकता है। अगर उनकी नेट प्रैक्टिस सफिशियंट नहीं है, देन सफिशियंट समय नहीं दे रहे, देन फिर वो ग्रीस में जाकर वही एक्सपेरिमेंट करने लग जाएगा। तो इसलिए हमें क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे तो देन फिर वो नेट प्रैक्टिस के समय बढ़ा रहे हैं, देन फिर आप जब समय आप दे रहे हैं, देन फिर उसको क्वालिटी आप इम्प्रूव करो, तो उस प्रकार से। तो
करते टाइम यूट्यूब या मतलब ऑफिस में चला लेती हूँ मोबाइल में, मतलब सारा दिन मंत्र या तो मेरे मन में या फिर ऑफिस का काम करते टाइम मोबाइल में चलता रहता है, तो ये क्या कंसिडर नहीं होता है अगर हम माला पे ना कर पाए तो? ओके, इस प्रकार से ये कंसिडर होता है, कंसिडर होता है एक्स्ट्रा में। क्योंकि नाम ही है तो फिर क्यों कंसिडर नहीं होगा, कंसिडर होगा बट एक्स्ट्रा में कंसिडर होगा, बट एक्चुअल में तो हमें वो माला करना है, जो हमारी कमिटमेंट है वो माला करनी चाहिए। बिकॉज इससे है ना वो रेगुलरिटी आएगी, एंड ये हमारे आचार्यों ने दिखाया हुआ पद है दैट एवरीबडी शुड एटलीस्ट चैंट सम राउंड ऑन माला, माला के ऊपर कुछ नाम तो लेनी ही चाहिए करके, एंड धीमे धीमे वो संख्या बढ़ानी चाहिए। एंड बाकी अन्य समय इस प्रकार से जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा चीज़ है, इस प्रकार से हमेशा भगवान के चिंतन में अपने आप को जोड़ने का कुछ ऐसा इंतज़ाम करके उस प्रकार से प्रयास करना वो बहुत अच्छा चीज़ है, वो आप करते रहिए, बट जो एक्चुअल्स को छोड़ कर नहीं, एक्चुअल्स भी आप करिएगा, जो एक्चुअली जो आपको मिनिमम इतने राउंड जो करना होता है, मे बी वॉट एवर मिनिमम आप जो सोच रहे हैं, देन फिर वहाँ से आप शुरू करिए। ठीक है, और हाँ हाँ कीर्तन करेंगे ज़रूर, कीर्तन करने के लिए आप कह रहे हैं ना, हाँ करेंगे, अभी लास्ट में करेंगे। एक बार प्रभु जी लोगों से भी अगर हम थोड़ा सा मानस सरोवर के विषय में आप संक्षिप्त में बताएं तो देन फिर उसके बाद हम कीर्तन थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि सच में ब्रजवासियों से धाम के विषय में सुनना बहुत ही सुंदर शैली में बताते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए इस धाम की महिमा के विषय में। हाँ जैसे हमारे अंदर जो विकार हैं उसमें हम नरसिंह देव जी को, नरसिंह भगवान जी को हम याद करें तो वो करना उचित है कि मतलब अपने विकार मतलब भगवान को पुकारें, नरसिंह भगवान जी को कि हमारे विकार हटा दो? हाँ तो ठीक है, जब करते वक्त वैसे भी हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप करिए, नरसिंह भगवान का ही आश्रय आप ले रहे हैं तो यही आश्रय होता है। जब भी हमें किसी प्रकार की समस्या आता है भगवान के नाम पुकारना, भगवान के स्मरण करना, यही तो हमें सभी भक्तों ने दिखाया है, प्रहलाद महाराज, उद्रु महाराज, सभी ब्रजवासियों ने सभी यही दिखाया है भगवान के स्मरण करना, जब भी किसी प्रकार की कष्ट आता है तो निश्चित आप पुकारिए। बोलिए राधे 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 वृंदावन धाम की जय। वृंदावन में किशोरी जी श्री राधा रानी कान्हा के साथ महाराज कर रहे थे वृंदावन धाम में, उस महाराज के अंदर इतना मधुर संगीत उत्पन्न हो रहा था जो तीनों लोगों में छा रहा था, तो कैलाश पे महादेव अपने ध्यान में बैठे हुए थे, तो जैसी मधुर संगीत उनके कानों में जाता है वो देखते हैं ब्रज में महाराज हो रहा है, इतना मधुर संगीत उस महाराज के अंदर उत्पन्न हो रहा है जो मुझे मन को अतिप्रिय लग रहा है और मेरे ध्यान को भी भंग कर रहा है, तो वो देखते हैं कि मेरी काना मेरे इष्ट देव महाराज कर रहे हैं श्री किशोरी जी श्री राधा रानी के साथ, तो वहां से चल देते हैं। जैसे ही महाराज के निकट पहुंचते हैं और प्रवेश करने को होते हैं तो राधा रानी की शकी ललिता और विशाखा पहरेदार खड़ी थी, तो महादेव जैसे ही प्रवेश करने को होते हैं तो ललिता और विशाखा उनको रोक देती हैं कि पुरुष रूप में काना है अनगिनत गोपिकाओं के साथ महाराज कर रहे हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता, तो महादेव बड़े व्याकुल होते हैं, गोपिकाओं को ही मार्ग बताइए मैं महाराज का आनंद लेना चाहता हूँ, अपनी काना के दर्शन करना चाहता हूँ, तो उनसे गोपिकाएं बोलती हैं कि प्रभु आप गोपी रूप धारण इस महाराज में प्रवेश कर सकते हैं, तो महादेव बड़े व्याकुल होते हैं, जमुना मैया में स्नान करने के लिए चले जाते हैं और जमुना मैया में स्नान कर निकल के आते हैं तो अपना गोपी रूप धारण कर लेते हैं
और जमुना मैया अपना श्रृंगार दे देती हैं, उसी दिन से इनको गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये सर्वपूर्णिमा की रात्रि थी। बोले गोपेश्वर महादेव। गोपी बने महादेव, जैसे ही महाराज में प्रवेश करते हैं तो कान्हा उनको पहचान जाते हैं, ये तो महादेव आए हैं जो गोपी बन के आए हैं। तो अपने सिंहासन से खड़े होकर आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। कान्हा तो पहचान जाते हैं कि अपना इतना प्रेम से इतना सत्कार से अपने सिंहासन पर विराजमान कर लेते हैं, जहाँ किशोरी जी श्री राधा रानी विराजमान होती थी। तो राधा रानी देखती है कि नई गोपी आ गई है, अनगिनत गोपिकाओं से में से एक नई गोपी से इतना प्रेम कर रही है कान्हा, इतना स्नेह कर रहे हैं। वो गोपेश्वरी कह के जहाँ मैं विराजमान होती थी, यहाँ बैठती थी, महाराज देखती थी, वहां विराजमान कर रखा है एक नई गोपी को। तो राधा रानी रूठ कर मान कर यहाँ आ जाती है। तो जैसी राधा रानी रूठ कर मान कर आ जाती हैं, तो जैसी महाराज बंद हो जाता है तो उनको कान्हा ढूंढते हैं। राधा रानी नहीं दिख रही, महाराज बंद हो गया, तो उनके पग चिन्हों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आते हैं। किशोरी जी आप कहाँ हो, राजे जी आप कहाँ हो, उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आते हैं कि राधे आप मान कर रूठ कर आ गई, एक नई गोपी आ गई, अब उसी कारण से रूठ के आ गई यहाँ पे। कि वो कोई साधारण गोपी नहीं थी, वो स्वयं महादेव आए थे हमारी ब्रज की और महाराज का आनंद लेने के लिए। अपनी हट अपना मान छोड़ो और हमारे के साथ हमारे साथ चलो, यहाँ पे मनाते हैं गाना उनको, अब हमारे साथ चलो। कि प्रभु मैं तो थक गई, मेरे बस की बात नहीं है, प्रभु मैं तो थक गई, मेरे बस की बात नहीं है। कि राधा रानी आप थक गई तो आप हमारे कंधे पे विराजो, आपको ले चले। और जैसी राधा रानी कंधे पे विराजमान होती है, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जैसे अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो राधा रानी विलाप करती है, और विलाप करते करते इतना अश्रु धारा निकलती है उनके विलाप से, सावला स्वरूप हो गए। यहाँ पे सावला स्वरूप मुखार बिंद दर्शन है श्री राधा रानी के। आप सरोवर में स्नान किया है ना, उसी अश्रु धारा से भरा हुआ सरोवर है कान्हा की। विलाप में अश्रु धारा जो निकली है ये सरोवर भर दिया है। रूट कर मान कर आई थी अश्रु धारा से, ये सरोवर भर दिया है। इसी जगह को राधा रानी मान सरोवर के नाम से जाना जाता है। सावला स्वरूप किशोरी जी का मुखारबिंद दर्शन है, राधा रानी यहाँ समा गई हैं। ये है यहाँ की महिमा। राधे राधे, यहाँ पे मनाया है श्री राधा रानी को, चरण पकड़े हुए मना रहे हैं। ये मानकारी मंदिर है, ये मुखारबिंद आपने दर्शन किए होंगे सरोवर के, उसमें स्नान किया होगा। उसके सामने जो मंदिर है वो मुखारबिंद दर्शन है, राधा रानी समाई हुई है यहाँ पर। बोलो राधे राधे।